ये मीडिया जो है गलत फहमी में बताओ, ये मजदूरों का नहीं है, ये किसानों का नहीं है, छोटे व्यापारियों का नहीं है, ये उन्हीं दो तीन बड़े उद्योगपतियों का औजार है और इसका काम हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का है, हिंदुस्तान में डर फैलाने का है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई खड़े हैं ना, इनमें से एक नहीं करना चाहता, ये सब देशभक्त हैं, एक नहीं करना चाहता, मगर चॉइस नहीं है, नौकरी से निकाल देंगे। तो ये है हालत, देखो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखो सबके सब मुस्कुरा रहे, देखो। तो इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है, दो मिनट में देखते ही रह जाते हैं हम। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। ना बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। वो तो सब है भैया, ईडी शीडी से कोई डरता नहीं है, बात समझ लो। अच्छा फिर नई चीज लाए मेरे साथ यहां पे, इसी सड़क पे मैंने कहा आपको, देखो हिंदुस्तान के युवा पांच चीजें करना चाहते हैं, सुनो हिंदुस्तान के युवा पांच चीजें करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आईएएस, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर। यहां पे बहुत सारे लड़के आते हैं, कहते हैं कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं, पूछता हूं क्यों, हम देश की रक्षा करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने नया काम निकाला है, नहीं सुनो मजे की बात सुनाता हूं आपको। अच्छा देश की रक्षा करनी है ना, सिर्फ 4 साल कर सकते हो, उसके बाद आउट, अग्निपथ। 4 साल के बाद आप देशभक्त नहीं हो सकते, 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर। आप किसी से भी पूछ लो, किसी युवा से पूछ लो, आर्मी वालों में डिसिप्लिन होता है कहेंगे नहीं, मगर दिल में है। तो चाइना की सेना आती है अंदर, एकदम माइक ऑफ हो जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कोई अंदर नहीं आया। अच्छा तो अंदर नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ किस बात की बातचीत कर रही है, 22 बार बातचीत हो गई, हमारी सेना कह रही है कि हमारी जमीन ले गए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं नहीं जमीन नहीं गई। नेगोशिएशन में चाइना के लोग कहते हैं कि भैया आपके तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जमीन नहीं गई। ये है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। और यात्रा में बड़ी अजीब सी बात हो रही है, और देखिए आप सबसे पूछिए, पटोले जी बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए, 6 बजे सुबह यात्रा शुरू होती है, 7 बजे शाम को खत्म होती है, थकान नहीं होती, 25 किलोमीटर चलने के बाद, नहीं मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी को थकान नहीं होती, पूछो क्यों,
नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति के बल पर हम चल रहे हैं, आपके प्यार, आपका प्यार और आपकी शक्ति हमें श्रीनगर तक पहुंचा रही है, रोक नहीं सकता कोई। तो इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करना है, आपके बिना हम ये काम कर ही नहीं सकते। 3500 किलोमीटर चलना है, आपके बिना काम नहीं किया जा सकता। आप मदद कर रहे हो और फिर सड़कों पे, इन सड़कों पे अपना पूरा का पूरा ज्ञान फ्री में हमें दे रहे हो।